पंचायत चुनाव जहां नजदीक आ रहे हैं तो वहीं चुनाव को लेकर षड्यंत्र रचने के मामले सामने आने लगे हैं। मैनपुरी में षड्यंत्र के तहत प्रधान द्वारा विरोधी पर झूठा सामूहिक बलात्कार केस लगाने के लिए रची साजिश का पुलिस ने खुलासा करते हुए वर्तमान प्रधान सहित दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। महिलाओं को प्रधान द्वारा 30,000 रुपए में झूठा केस आगामी चुनाव में प्रधान के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार विपक्षी पर लगाने के लिए बुलाया गया था। पूरा मामला मैनपुरी के ग्राम पंचायत धर्मंगतपुर से जुड़ा है। धर्मंगतपुर के प्रधान शैलेंद्र सिंह द्वारा अपने विरोधी नीतू चौहान को झूठे सामूहिक बलात्कार केस में फंसाने की साजिश रच दी। साजिश के तहत 30,000 रुपए में देकर मोनी उर्फ रेणु जाटव निवासी सिग्मा हसनपुर मोटा थाना भोगांव और श्रीमती जहां और प्रिया यादव निवासी आशाबाद थाना रसूलपुर फिरोजाबाद से दो महिलाओं को भी मैनपुरी बुलाया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रधान और झूठे केस में फंसाने वाली दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस जेल भेजने की कार्यवाही कर रही है। इसमें एक मौजूदा ग्राम प्रधान और दो महिलाओं को हमारी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जब उनके बयान लिए गए तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक महिला थाना भोगांव क्षेत्र की रहने वाली है, जो 2 साल पहले थाना करहल क्षेत्र में सेक्स रैकेट में इमोरल ट्रैफिकिंग में जेल जा चुकी है। ये जानकारी अभी सामने आई है, हालांकि इस पर हम लोग काफ़ी अभी रिसर्च कर रहे हैं। ये महिला एक अन्य महिला के संपर्क में आई, फिरोजाबाद की है, जिसका नाम प्रीति यादव सामने आया है। ये महिलाओं ने मिल करके और इस मौजूदा प्रधान शैलेंद्र सिंह चौहान उर्फ बंटू, इनसे दुराभिसंधि करके षड्यंत्र रच करके प्रधान के गांव के एक अन्य व्यक्ति रणधीर सिंह उर्फ नीटू को गैंग रेप जैसे गंभीर अपराध में फंसाने का ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे। इसी बीच में हमारी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। ये जो प्रधान है वो पहले भी जेल जा चुका है, ऐसी उसने बातें बताई, तो चेक किया जा रहा है। लाइसेंसी असलहा उसका दुरुपयोग करने के लिए भी इसने इसे मुकदमा है। और इन तीनों लोगों को आज हम लोग गिरफ्तार करके इनसे पूरा बयान लेके इनके वीडियो बयान भी हमारे पास है, पूरा लिखा पढ़ी करके आज इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी संदर्भ में भी बताना है कि 30,000 रुपये में पूरा ये सौदा फिक्स हुआ था, इसमें 15,000 रुपये एडवांस में दे दिए गए थे। उन 15,000 में से करीब 14,000 रुपये पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। और इन सभी के बयानों के आधार पर और तमाम अन्य साक्ष्यों के आधार पर आज इन तीनों को हम लोग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे की अभी जांच पड़ताल विवेचना के द्वारा ये जारी रहेगी। और इसमें उम्मीद है कि एक बड़ा सेक्स रैकेट भी सामने आ सकता है, और एक ऐसा रैकेट सामने आ सकता है जो धन उगाही करके आर्थिक लाभ लेकर के निर्दोष लोगों को गंभीर धाराओं में जेल भिजवाने का काम करता है।